हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं कश्मीर और आप देख रहे हैं इनोसिफिक सेल्फ यूनिक। गाइस आप सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, डेफिनेटली आप लोग मुझसे सीखते भी हो। उसके बाद जो लास्ट अटेम्प्ट जो रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि मुझे जॉब लेनी है, मींस आप सबको जॉब लेनी है। अब जब जॉब लेने के लिए आप जाते हो, कहीं पर अप्लाई करते हो, तो मैक्सिमम टाइम कैसे होता है कि फेक जॉब आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और उसमें कैसे होता है कि जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके साथ ऐसा कि उनको कंसल्टेंट वाले कॉल करके 2,000-5,000 रुपये बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और कुछ लोगों से निकलवा भी लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से टिक एंड ट्रिप्स रहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि जेन्युइन है कि फेक है। तो आज का जो वीडियो, इस वीडियो में मैं जॉब्स कैसे सर्च करें, बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है जॉब सर्च करने का, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हाँ यार, सर ने जो मेथड बताया इससे हम लोग गलत और सही का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हो, समझते हैं कैसे जॉब को सर्च करना है और कैसे आपको ये पता करना है कि फेक है कि रियल है, क्या तरीके हो सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हो, समझते हैं इसको। गाइस सबसे पहले तो जैसे कि अगर आप लोग नॉर्मल जॉब सर्च कर रहे हो तो आप इंडीड या नौकरी.com तो चलाते ही होंगे। ओके, अब जब नौकरी.com चल जाते हो तो यहाँ पर पूछता है जॉब टाइटल या फिर कीवर्ड्स या फिर कंपनी, और यहाँ पूछता है कि आप कौन से सिटी में रहते हो। तो हमेशा याद रखो कि आपको क्या डालना है, आपको यहाँ पर कीवर्ड्स डालने। कीवर्ड्स कैसे डालोगे? कीवर्ड्स डालोगे कि आपको स्टैट प्रो पे जॉब चाहिए, तो आपको यहाँ लिखना है स्टैट प्रो। ठीक है, क्या चाहिए आपको यहाँ पे? स्टैट प्रो। ठीक है, या फिर आपको कीवर्ड डालना है ईटैप्स या फिर ऑटोकैड। बिना स्किल्स के आप में से किसी को भी, या फिर चाहे मैं ही क्यों ना हूं, बिना स्किल्स के जॉब नहीं मिलेगी। सो अगर डिग्री के बेस पे जॉब सर्च कर रहे हो तो गलत सर्च कर रहे हो, फिर वही साइट इंजीनियरिंग की जॉब मिलेगी और आप सबको पता है उसका रिजल्ट क्या होता है। सो आप पहले तो स्किल सीखो, ऑटोकैड सीखो, स्टैट प्रो सीखो, ईटैप सीखो, मुझसे सीखो, यूनिक सिविल एप्लीकेशन से सीखो, कहीं और से सीखो। बट जॉब सर्च कैसे करना है, आपको स्किल्स डाल के यहाँ पर सिटी का नाम दे देना है, बस। चलिए सपोज ये हमने कर दिया, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स आएंगी। तो ये ओपनिंग्स रियल है कि फेक है, ये ओपनिंग्स रियल है कि फेक है, इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट से देखिएगा, क्योंकि मैं शायद अपना सारा जॉब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूं इस वीडियो में, तो बड़ा होगा तो मैनेज करना इस वीडियो को। तो जैसे आपने सर्च किया, मैंने जैसे सर्च किया था कि स्टैट प्रो पे, और के साथ ही साथ मैंने सर्च किया था स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो ऐसा मैंने कीवर्ड जब सर्च किया था तो मेरे सामने एक ओपनिंग से कलिंदा टेक्निकल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी। पता नहीं ये फेक हो तो कैसे पता करें कि ये रियल है कि फेक है। ठीक है, तो उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसके ऊपर आप ऐसे राइट क्लिक करिए और ये अपने पास ओपन हो जाएगा धीरे से। जैसे ओपन हो गया, अब यहाँ पर सर्च करना है आपको। अच्छा, कलिंदा टेक्निकल सर्विसेज कंसल्टेंसीज, ओके। अब इसको कॉपी कर सकते हैं क्या आप लोग? ये तो किया है, यस। ध्यान से देखो इसमें कैसे गलतियाँ क्या होती है, इनको फ्रेशर्स भी चलिए और एक्सपीरियंस भी चलेगा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप कर दीजिए। वैसे इनके यहाँ पर गर्ल्स का जल्दी शॉर्ट लिस्ट होगा, क्योंकि इन्होंने डाला हुआ कि फीमेल कैंडिडेट प्रीफर होगा, बट बॉयज़ भी डाल सकते हैं, अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली ये रखेंगे। वर्कलोड नहीं, मतलब ऑफिस जाके काम करना है, फ्रेशर्स का जॉब है इसलिए सैलरी कम है, बट आपको देखना है कि फेक है रियल है। तो अब इसको कॉपी कर लिया है और आप यहाँ पे सर्च कर लो, तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि ये कोई कंसल्टेंसी नहीं है, ये डायरेक्ट कंपनी है और ये कंपनी की वेबसाइट है, या फिर यहाँ से क्लिक करके आप देख लो। और अगर कंपनी इस तरीके के प्रोजेक्ट कर रही है, डेफिनेटली ये रजिस्टर्ड ही अपने आप वेबसाइट रजिस्टर्ड ही है, तो डेफिनेटली ये फेक जॉब नहीं है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि यहाँ से फर्स्ट से उठाओ और कॉपी पेस्ट करके चेक कर लो, फेक जॉब चेक करने का, वैसे ये रियल है। दूसरा जॉब सर्च करने आपको चेक करना है कि यार और जो जॉब है वो, जैसे कि वाल्टर पी मोरे, ये आपसे मतलब ये रियल जॉब है कि फेक जॉब है, कहीं आपको 2000 कॉल करके फ़ोन तो नहीं करने वाला कि भाई 2000 रुपये दोगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, वैसे वाली तो नहीं है, मैं देख के बता देता हूँ। वाल्टर पी मोरे फिलहाल तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने बहुत ढेर सारे, हाँ अब ऐसे बहुत ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स हैं आज के टाइम में, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें से एक मेरा भी यूट्यूब चैनल है। हम लोग ऐसे अच्छी अच्छी जो ओपनिंग्स होती हैं इनको शॉर्टलिस्ट करके चैनल्स पर डालते हैं। आप बोलोगे सर मेरे यूनिक सिविल पे तो कभी आता नहीं, यस यूनिक सिविल पे नहीं आता है, जॉब्स गाइड पे आता है। जॉब्स गाइड करके अपना एक यूट्यूब चैनल है, जॉब्स गाइड को सर्च कर लो, और जॉब्स गाइड को सर्च करने के बाद ये देखो बीम की ओपनिंग्स निकली हुई है, और यहाँ पर दिल्ली में ओपनिंग निकली हुई है, एमएनसीज में ओपनिंग, जहाँ जहाँ ओपनिंग्स होती है। तो हम लोग ऐसे ही सर्च करते हैं, कोई बहुत बड़ा हम लोग तीरम खा नहीं है,
हम लोग भी ऐसे सर्च करते, बट हम सर्च करते कोई फेक जॉब तो नहीं है। और केवल मैं नहीं, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि गोविंद है वो बहुत अच्छा बनाता है, राजेश है वो बहुत अच्छा बनाता है, तो ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जो जॉब्स को चेक कर रहे हैं, रियल है क्या, रियल है तो यहाँ पर वो डाल रहे हैं, तो उससे कई लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने जॉब्स कैरेट चैनल को नहीं देखा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको, तो उससे आपको पता चलता रहेगा क्या रियल जॉब कौन सी और फेक जॉब कौन सी है, सर ने क्लियर कर दिया है। अब मैंने कल तीन ओपनिंग्स बताई थी, एक टाटा में बताई थी, एक ये कोई कंपनी थी और एक और थी, तीनों ही रियल जॉब है, जिसने भी अप्लाई किया होगा उसको खुद ही समझ में आया होगा। अब वाल्टर पी मोरे आप देख लो, अब वाल्टर पी मोरे मैंने पहले बता दिया कि हम लोग को पता ही रहता है कि रियल है कि फेक है, क्योंकि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आइडिया लग जाता है। अच्छा वो कंपनी, उस हर कंपनी का लेवल लेवल नाम याद हो जाता है हम लोग को, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स काम भी करते हैं, कई ढेर सारे लोगों का भी इंटर्नशिप में भी हुआ है, मैंने ही बताया था ओपनिंग्स यहाँ जॉब्स गाइड चैनल पे और लोगों ने अप्लाई किया था, उसका उनको फ़ायदा मिला, बहुत बेस्ट कंपनी है। तो अगर आप स्ट्रक्चर्स में जॉब देख रहे हो तो फटाफट कलिंदा टेक्निकल में भी और साथ ही साथ इसमें दूसरा कौन सा ही वाल्टर पी मोरे, इन दोनों में कर दीजिए, बेहतरीन ओपनिंग्स है और आपका बेनिफिट हो सकता है अगर शॉर्टलिस्ट हो गए। अब तीसरी कंपनी सपोज कैसेक, अब कैसेक वाले तो बहुत अच्छे से हमको भी जानते हो, प्लस ये कैसेक अच्छी कंपनी है मुझे बताए, तो अब देख लो तीन ओपनिंग्स आपके सामने मैंने बता दिया और तीनों ही रियल है। तो अब ये मुझे कैसे पता है कि ये रियल है, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूं कई कंपनियों को, बट और भी और ढेर सारे ऐसे देखोगे कंपनीज जो कि फेक रहेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फेक कंपनी भी दिखाऊं, मतलब जिससे कि आपको, आप देखिए ये नहीं है, ये तो रियल है, 3D प्राइम अच्छी कंपनी है, देखो कई ढेर सारी कंपनीज हैं, आप लोग ऐसे चाहो तो सर्च कर सकते हो, क्योंकि मेरे में तो लगभग लगभग सारे रियल आ रहे हैं, क्योंकि अभी सेंटेक भी कंपनी रियल ही है, ठीक है, और ये सब कंपनी से लगभग लगभग मैं जानता हूँ। तो अब इन कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, अगर ये कंपनी सपोज यहाँ पर होस्ट इंटरनेशनल है, अब ये कंसल्टेंसी है कि रियल है आपको चेक करना है, तो ये देखो होस्ट इंटरनेशनल, अब इनको आप यहाँ से कॉपी करो पेस्ट करो, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली इस कंपनी के बारे में, इसलिए वो चेक कर रहा हूँ, और फर्स्ट आप यहाँ पर जाओ और यहाँ जाके सर्च कर लो, सर्च करने के बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हो ना कि यहाँ पर इनकी जो कंपनी है रियल है कि फेक है। ये बहुत बच्चों को नहीं पता हो, याद रखिएगा, अगर कोई भी आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि 5,000 रुपये लगेंगे, 2,000 रुपये लगेंगे इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, भाई वो फेक जॉब है। और प्लीज़ अगर हो सके तो फोर्थ ईयर वाले बच्चों को ये जरूर भेज देना वीडियो, क्योंकि उन्हीं के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होता है, हम लोग के टाइम पे भी होता था। अब ये देखो सीधे सीधे मैकेनिकल की कंपनी, हमें अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमने देख लिया यहाँ पे। तो अगर कोई इस कंपनी का नाम लेके अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, हो सकता है फेक हो, या फिर ये ओपनिंग्स ही किसी और के लिए हो, आपके लिए ओपनिंग्स न बनी हो, तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। अगर स्ट्रक्चर का काम उनके पास है, आर्किटेक्चर का काम उनके पास है, तो अप्लाई करिए। अगर नहीं है वाल्टर पी मोरे, अगर रियल में है ही नहीं तो मत अप्लाई करो, वैसे रियल में है ही है। तो इस तरीके से लाइक फेक और रियल जॉब को आप सर्च कर सकते हो, सबसे बेस्ट मेथड है, इंडीड मुझे अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म, सो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जस्ट अच्छा लगता है इसके वजह से, क्योंकि हमने भी इससे कई जॉब सर्च किए हुए। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको अपनी जॉब को सर्च करना चाहिए प्लस अपना सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए, वो है यहां पर लिंक्डइन। अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, आर्किटेक्ट कर रहे हो, एमई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, और अगर आप यहाँ पर नहीं हो तो समझो कि एक बहुत मेन जगह पे नहीं हो, फेसबुक पे न रहो चलेगा, इंस्टाग्राम पे न रहो चलेगा, लिंक्डइन पे जरूर रहना। आप देखो यहाँ पर एक अभी राजेश का ही नाम ले रहे थे, देखो उसका ही खुला हुआ है, राजेश अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बीम इंजीनियर है, ठीक है, तो ये मेरे से ट्रेनिंग लिया हुआ और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, और इसने देखो ओपनिंग से डालता रहता है, तो क्या बोलते हैं, कई ओपनिंग्स है, देखो डिज़ाइन की ओपनिंग्स है यहाँ पे, डिज़ाइन स्ट्रक्चर की ओपनिंग्स है, सिविल बी और बीटेक चाहिए आपको, ऐसे डायरेक्ट बहुत से लोग लिंक्डइन पे मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो इनके पास तुरंत जाना है और ये इनके पास सीवी भेज देना है। अगर ये भाई साहब लोग फोन करने के बाद बोलते हैं कि आपका 2,000 रुपये लगेगा, सीधे समझ जाओ कि हमको नहीं पे करना है। अगर ये बोलते, अगर ये कंपनी है तो वैसे तो पता चल जाएगा ये कंपनी है कि नहीं, मैं देख के बता दूंगा। अगर कंपनी है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, अगर कंपनी नहीं है तो आप समझ जाइए यहाँ से, अच्छा इन्होंने लिंक्डइन के माध्यम से किया हुआ है, तो अगर ये रियल है या फिर कोई कंसल्टेंट है तो आप इनसे गैपिंग सप्ली बना सकते हैं, और अगर ये खुद जॉब ऑफर कर रहे हैं तो फिर जाइए फटाफट के, बस पैसे मत दीजिए बस, ठीक है। अभी और भी देखो बहुत ढेर सारे ऐसे, तो अगर आप लोग लिंक्डइन बनी हो तो पहले लिंक्डइन पे बना लो, और उसके बाद देखो अभी मैं लिंक्डइन पे जो सर्च करता हूँ यहाँ पे आता रहता है, तो मैं तो हमेशा वही सिविल से रिलेटेड ही चीज़ें सर्च करता हूँ, और क्या बोलते हैं, अगर लिंक्डइन पे आप लोग आ ही रहे हो तो फिर आप मुझसे भी जुड़ सकते हो अगर यहाँ पर जुड़ना है तो, अदरवाइज यूनिक सिविल से जुड़ना है तो आप यूनिक सिविल सर्च करोगे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे भी अभी प्लान कर रहा हूँ कि जो रियल, जैसे कि अभी मैंने जॉब्स गाइड पे कल एक बहुत अच्छी ओपनिंग डाली थी, तो जो अच्छे वीडियोज़ हैं जो जहाँ से ओपनिंग्स बहुत अच्छी निकल रही है उनको मैं यहाँ पर जॉब्स गाइड पर भी डाल दूंगा। प्लस आप मुझसे क्यों जुड़ो, या फिर आप मेरे जैसे किसी इंजीनियर से क्यों जुड़ो,
लिंक्डइन पे, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है गाइस कि जो सजेशन होगा आपके पास, जो भी सजेशन होता है ना, जैसे कि मेरे पास अभी जो सजेशन आ रहे हैं, एक भी सजेशन तुमको फेक नहीं दिखेंगे, सारे ही काम वाले दिखेंगे। रीजन, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जिनके नेटवर्क ऐसे ही हैं कि वो सिविल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो जो मेरे साथ वाले बंदे हैं सिविल में जो काम कर रहे हैं, उनके पोस्ट आपको दिखेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करो जो लोग इससे रिलेटेड काम करते हैं। जैसे कभी देखो ये इंटीरियर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, 3ds Max 3ds से रिलेटेड, तो ऐसे ही लोगों को अगर काम पे आप जोड़ोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो पहला ट्रिक तो ये था कि लिंक्डइन पे आपको समराइज कर रहा हूँ, इंडीड पे आपको अकाउंट बनाना है अपना, आराम से अकाउंट बना लोगे, नॉर्मल तरीका है। और यहाँ पर कीवर्ड्स डालो, कभी भी ये मत डालो कि सिविल इंजीनियरिंग जॉब, सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर जॉब, कभी नहीं मिलेगा। आप कीवर्ड डालो ऑटोकैड, आप डालो रेविट, आप डालो स्केचअप, आप डालो 3ds Max, जो आपको आता है। नहीं आता है तो पहले आप सीखो, मुझसे सीखो, यूनिक सिविल एप्लीकेशन से सीखो, कोई भी और अच्छा सिखा रहा है उससे सीखो, जहां आपका पैसा भी बचे और अच्छे से सीख पाओ, वो इंपॉर्टेंट है। सीखने के बाद यहां पर जॉब टाइटल अपना कीवर्ड डालो कि हमको आता क्या है, लोकेशन डालो, फाइंड करो, बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएंगी। दूसरा, सर्च करने का ये फेक है कि रियल है, आप इस कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तीसरा, आप लिंक्डइन को जरूर कनेक्ट करिए। लिंक्डइन के माध्यम से कैसे होता है कि बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अभी लिंक्डइन जॉब सर्च करके एक नया ऐप भी शायद डेवलप हो गया है, लिंक्डइन जॉब सर्च, एक लड़का बता रहा था कि बहुत अच्छा है, तो आप यहां से डायरेक्ट ये काम कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ नेटवर्क, आप अपना खुद का भी नेटवर्क बना सकते हो, मतलब अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। देखो ये यहाँ पे संजय मिश्रा है, शायद ये मेरे स्टूडेंट ही होंगे, और यहाँ पे सैक है, तो ऐसे लोगों को आप कनेक्ट भी करते रहेंगे। अगर किसी की रिक्वेस्ट आ रहा है और आपको लगता है कि ये बंदा काम का है, इसका कुछ पोस्ट हमारे काम में आएगा, तो ये लो इसको कर दो। ये MBA कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में है, मतलब अपने ही फील्ड में है, तो इनको भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, आपके जो भी कनेक्शन होंगे आपके सामने होंगे। मेरे को 7000 समथिंग है, आपके जितने भी हैं ऐसे लोगों को जोड़ो जो सिविल से रिलेटेड है। मेरे पास सिविल या फिर HR दो लोगों को जोड़ता हूँ। HR को क्यों जोड़ता था पहले, कि मुझे जॉब करनी होती थी तो लोग दिख जाए कि भाई ओपनिंग्स आती है तो हम फटाफट अप्लाई कर पाएंगे। और सिविल इंजीनियर को इसलिए जोड़ते हैं, नॉलेज मिलता रहता है बस। तो इस तरीके से आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने जॉब्स गाइड को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आपका ही बेनिफिट है। नहीं करोगे तो आपका ही लॉस हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर डेली जेन्युइन ओपनिंग्स लेके आते रहते हैं आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर यूनिक सिविल पेज को आप लोगों ने लाइक वगैरह नहीं किया है या फिर उसको फॉलो करना पड़ता है तो फॉलो वगैरह नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि अब मैं इस पर जॉब्स ढेर सारी डालने वाला हूँ। जैसे कि जो मुझे जॉब यहाँ पर मिलेगी, जैसे अभी राजेश ने डाला था, ऐसी जो भी रियल जॉब होगी मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, कुछ करना नहीं है। बट इससे आपको रियल चीज़ मिलने लगेगा गाइस, और उससे आपका बेनिफिट होगा। होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी कंसल्टेंसी के पंगे में नहीं फंसना है, किसी भी कंसल्टेंसी को 2000-4000 रुपये नहीं देना है कि जॉब लगवाओ। मैंने कभी मांगा आपसे? नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि जॉब लगवाने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, उल्टा जिस कंपनी को हम एम्प्लॉय देते हैं वो कंपनी हमें पे करती है। वो अलग बात है कि आपको कोई दूसरे तरीके से समझाए तो वो अलग हो सकता है, और तो वो काम आपको नहीं करना है, आपको समझदारी से वहाँ पर अप्लाई करना है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी, जिससे कोई भी अगर लगता है कि प्रोफेशनल है तो उनसे लिंक्डइन पे चैट कर। देखो मुझसे कैसे लोग बात करते हैं, सपोज आप फ्रीलांसिंग काम करते हो, इतना बेहतरीन तरीके से फ्रीलांसर्स आज के टाइम में लिंक्डइन पे आपको मतलब मैसेज करते हैं। सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लूं, अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी इधर विच ये वाले में, तो अभी जैसे कि मुझे, मेरे पास रेविट का काम होता है, मेरा क्या होता है रेविट का काम होता है, तो मैं कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा अपनी सर्विस को देने के लिए। तो अभी मैं किसी एग्जांपल को लेता हूं, जिससे मेरे से रिसेंट चैट हुई हो, ये कैड लैब कोई है, तो इन्होंने मुझे अभी चल रहा है शायद अभी एक, यहाँ पर आप देखो मैं देख रहा हूँ कि कोई भी, जिससे अभी एक कोई फ्रीलांसर थे यहाँ, ये सुबोध सर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और इन्होंने अपना कुछ लिखा हुआ है। तो अब देखो इन्होंने कैसे अपनी सर्विस को देना चाहे मेरे को। हाय आकाश, आई सी दैट करंटली यू एक्वायर्ड गुड स्किल्स नॉलेज, और मैंने बोला कि आपके पास अच्छा स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें हैं। अब इन्होंने मुझे अपने मेरे प्रोफाइल को रीड कर लिया, फिर लिखा अभी अपनी सर्विस को कैसे मुझे सेल कर सकते हैं, आप देख लो। अभी मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ तो मैं यस लिखूंगा। फिर इन्होंने लिखा कि लेट अस इंट्रोड्यूस टू मीट, इन्होंने अपना एक मीटिंग प्लान कर लिया, और मीटिंग प्लान करके अपने बारे में, अगर मुझे टाइम दिया इनको तो ये अपने बारे में बता देंगे। उससे क्या होगा, उससे हो सकता है कि मैं इनकी सर्विस को ले लूँ, या फिर हो सकता है मैं इनकी सर्विस को दूसरों को बता दूँ कि यार इनके पास ये सर्विस है, अगर आप चाहो तो इनके साथ जुड़ जाओ। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप लाइक 3ds Max या फिर रेविट पे प्रोजेक्ट करके देते हैं, तो फटाफट लिंक्डइन पे इस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करो। अगर एक लोग रिप्लाई नहीं दे रहे कोई बात नहीं, दूसरा तो देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, 10 में से 2 तो जरूर देंगे।
तो इस तरीके से मैं तो देता हूँ लगभग लगभग, मुझे थोड़ा टाइम लगता है जरूर, ये तो आप लोग को भी पता होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप पेज जरूर बनाइए, जैसे कि मेरा यूनिक सिविल का पेज अभी दिखा रहे थे ना, तो ऐसे ही आप भी अपना पेज बनाइए जिसमें अपनी फ्रीलांसिंग वर्क डालिए। बट ऐसे लोग नहीं जो जॉब भी सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अगर डालोगे तो कंपनी के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा होता है कि ये बंदा, अगर इसको मैंने हायर भी किया तो ये कल को फ्रीलांसिंग वर्क करेगा, मेरे काम पे फोकस नहीं करेगा, तो आपको हो सकता है शॉर्टलिस्ट ना करें। हो नहीं सकता एक्चुअली, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको शॉर्टलिस्टिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रियल में फ्रीलांसर हैं तो आप पेज बना लीजिए, अदरवाइज मेरे जैसे लोगों के साथ जुड़ के अपना नेटवर्क बना के और ढेर सारी ओपनिंग्स पे अप्लाई करिए और अच्छे से अच्छा पैकेज लीजिए। एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। याद रखिए, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपनी वैल्यू को नहीं पहचान पाते। हमको लगता है कि हमारे लिए 10,000 15,000 20,000 की ही जॉब बनी है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं बट हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अरे यार, हमारी तो पड़ोसी कितनी है तो मेरी भी इतनी ही होगी, और हमारे पड़ोस में कितने वाले हैं, वही 10-15-20-25-30-35-40 वाले लोग हैं। तो हमारा माइंड सेट उतना बन चुका है कि हमारी वैल्यू भी उतनी है, बट ऐसा नहीं है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो तब पता चलेगा जब आप उस नेटवर्क के साथ आओगे। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास कुछ सीनियर्स आपसे अटैच होते हैं तो उनके साथ अटैच हो, तो पता चलेगा कि हाँ यार, ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, तो इसकी इतनी सैलरी है तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप स्किल्स नए नए ऐड करोगे। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे थे, इसको लाइक कमेंट कर दिया करो, उससे क्या होता है वीडियो सजेशन में जाते हैं, मेरा भी जो लाइक मेहनत है वो यूजफुल होगा। चलिए, थैंक यू।